नमस्कार, आपका स्वागत है स्टॉकोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं कोलगेट पाल्मोलाइव इंडिया लिमिटेड के बारे में, जिनके आज रिजल्ट जारी हुए हैं। तो जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो अब हम देख लेते हैं रिजल्ट्स को। आपके सामने रिजल्ट हैं, स्टैंड अलोन आंकड़े दिए गए हैं लाख में। सबसे पहले हम रिजल्ट के फॉर्मेट को देख लेते हैं। सबसे लास्ट में जो आपको कॉलम दिखाई दे रहा है वो जून 20 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। जो सेकंड नंबर पे कॉलम है वो मार्च 21 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। और जो आंकड़े सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं वो जून 21 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। तो अब हम देख लेते हैं सबसे पहले टोटल इनकम को। जून 20 क्वार्टर में इनकम थी 1,04,690 लाख की। मार्च 21 क्वार्टर में ये इनकम हो गई 1,28,981 लाख की। और जून 21 क्वार्टर में हो गई 1,17,118 लाख की। तो यहाँ पर अगर हम जून 20 क्वार्टर से जून 21 क्वार्टर यानी कि ईयर ऑन ईयर में देखते हैं तो हमें टोटल इनकम में वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में यानी कि मार्च 21 क्वार्टर से जून 21 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें इनकम घटती हुई दिखाई दे रही है। अब हम एक्सपेंसेस को देख लेते हैं। तो जून 20 क्वार्टर में एक्सपेंसेस थे, सबसे नीचे देखेंगे आप, जून 20 क्वार्टर में एक्सपेंसेस थे 78,001 लाख के। मार्च 21 क्वार्टर में ये हो गए 90,845 लाख के। और जून 21 क्वार्टर में हो गए 85,699 लाख के। तो जून 20 क्वार्टर से जून 21 क्वार्टर यानी कि ईयर ऑन ईयर में हमें एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर की यानी कि मार्च 21 क्वार्टर से जून 21 क्वार्टर की, तो यहाँ पर हमें एक्सपेंसेस में कमी होती हुई दिखाई दे रही है। तो ईयर ऑन ईयर में इनकम और एक्सपेंसेस दोनों में ही वृद्धि हुई है। अब हम देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को। तो थर्ड नंबर पॉइंट है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जून 20 क्वार्टर में जो प्रॉफिट थे वो थे 26,689 लाख के। मार्च 21 क्वार्टर में ये हो गए 38,136 लाख के। और जून 21 क्वार्टर में हो गए 31,419 लाख के। तो यहाँ पर अगर हम जून 20 क्वार्टर से जून 21 क्वार्टर यानी कि ईयर ऑन ईयर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखें तो इसमें हमें वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर की यानी कि मार्च 21 क्वार्टर से जून 21 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम देख लेते हैं नेट प्रॉफिट को। तो फिफ्थ नंबर पॉइंट है नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो जून 20 क्वार्टर में जो प्रॉफिट थे वो थे 19,818 लाख के। मार्च 21 क्वार्टर में ये प्रॉफिट हो गए 31,466 लाख के। और जून 21 क्वार्टर में प्रॉफिट हो गए 23,323 लाख के। तो जून 20 क्वार्टर से जून 21 क्वार्टर यानी कि ईयर ऑन ईयर में हमें नेट प्रॉफिट में वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। ईयर ऑन ईयर में हमें प्रॉफिट में 17% के आसपास की वृद्धि प्रॉफिट में होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर की यानी कि मार्च 21 क्वार्टर से जून 21 क्वार्टर की, तो यहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करते हैं ओवरऑल रिजल्ट्स की, तो हमें कंपनी का ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। धन्यवाद।